ने कहा कि कृष्ण जन्म की कथा हमें विस्तार से सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी ने दो श्लोकों में जल्दी जल्दी कथा को सुनाया और शांत हो गए। और आप लोग तो बड़े धैर्यवान हो, सच्ची बता रहे हैं कि जो इतनी प्रतीक्षा की, जो भागवत की कथाएं हैं, ये कृष्ण जन्म तो होता है दसम स्कंद में जाके, और इससे पहले की जो कथाएं हैं ना, वो त्याग की, वैराग्य की, झगड़े की, भक्ति की, ये कथाएं हैं। तो इनको समझने के लिए आप जैसे श्रोता चाहिए, क्योंकि जो इनको समझेगा वही आगे की कथा में आनंद ले पाएगा। और इन कथाओं को समझना पूरा दिमाग ही घूम जाता है। ब्रह्मा जी को भी समझने में 2 से 3 बार लगा था। आप लोग तो अब इससे पहले सुना होगा, वो नहीं पता, ठीक है। मैं तो आपको 2री बार सुना रही हूँ। इससे पहले मैंने एक जगह की थी फरुखाबाद में, और आपको दोबारा सुना रही हूँ मैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभे वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी कह रहे कथितो वंश विस्तारो, आपने सूर्य वंश बड़े विस्तार से सुनाया, चंद्र वंश बड़े विस्तार से सुनाया, और जैसे ही मेरी कन्हैया की कथा आई आपने बहुत जल्दी कर दी। आपको विस्तार से सुनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि देवकी मैया के सप्तम पुत्र, सप्तम बालक बलराम जी हुए, और वो सप्तम बालक हुए और इसके बाद में वो रोहिणी के भी बालक हुए जो नंद बाबा के घर में थी। तो एक जन्म में 2 मैया एक बालक एक साथ कैसे हो सकता है, मुझे ये कथा सुनाइए। परम धर्मशील यदु महाराज थे तो उनकी 21वीं पीढ़ी में कृष्ण भगवान का अवतार कैसे हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, हमें वो कथा सुनाइए। पूरा संसार कहता है कि कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस को मार दिया, तो भाई भांजा मामा को क्यों मारेगा, वो हमें कथा सुनाइए। जब ये कहा तो राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि आपका कोई रिश्ता है कृष्ण से, आप जानते हो। तब कहा जुगोपकुक्षिम गत आता चक्रो मातुश्च मे आशरणम गताय। जब मेरी माँ के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। कृष्ण भगवान प्रसूता गृह में आए और मुझे पुनः जीवित किया, और उसी समय से मैंने इन छोटी छोटी आंखों से भगवान का जो रूप देखा था वो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। आप कहते हो कि तुम्हारा कोई रिश्ता है, मेरा तो उनसे जन्मों का रिश्ता है। तो उन्होंने कहा कि राजन 4 दिन हो गए हैं तुम्हें, थोड़ा बहुत कुछ खा लो, कुछ खा पी लो। जलपान भी नहीं किया था राजा परीक्षित ने। तो कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। जो कथा रस का पान करेगा उसको क्या भूख प्यास होगी, जो कथा रस का पान करेगा उसको भूख प्यास होगी। महाराज जो आप कथा सुना रहे हो, ये हरी कथा रस का पान करा रहे हो ना, इससे अब भूख प्यास का कोई हमें चिंता नहीं है। अब तो बस हरी कथा रस का पान कराइए, जिससे हमारे जीवन के अब 3 दिन शेष बचे हुए हैं, कथा रस का पान करके हम परम धाम चले जाएं, भगवान के धाम चले जाएं, अब तो बस इतना करिए। उसके बाद उन्होंने कथा को सुनाया कि पृथ्वी धरती मैया गौ माता का रूप बनाया और देवताओं के पास गई और कहा कि मैं कंस आदि के अत्याचार से बहुत परेशान हूँ और मेरा उद्धार कराइए। तो सभी देवी देवता मिलकर क्षीर सागर जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के हृदय में आकाशवाणी की, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनस्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिया।
कहा कि मैं बहुत जल्दी वसुदेव के गृह में जन्म लेने वाला हूँ। सभी देवी देवता जो मेरी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं वो ब्रज में जाएं, कोई मोर बने, कोई गाय बने, कोई पशु बने, कोई पक्षी बने, कोई पेड़ बने, कोई पहाड़ बने, सभी विभिन्न रूपों में जाके अवतार लें और हमारी लीला का दर्शन करें। तो सभी देवी देवता आए हैं, जितने भी वहाँ के पशु पक्षी भी थे, जो अन्य भी थे, हिरनी आदि, वो भी कोई न कोई देवी देवता ही थे। तो सभी देवी देवता आए और इधर देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हुआ। तो जब विवाह के समय आया, विदाई के समय की बात है, तो कंस ने सोचा कि बहन का विवाह जो किया है पिताश्री ने, तो ऐसा करते हैं, हमारी समाज में छवि बहुत खराब है, लोगों को लगता है मैं बहुत क्रूर राजा हूँ, तो क्यों ना आज देवकी का हम विदाई में थोड़े आंसू बहा देंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, बहुत ज़्यादा दयावान हूँ, ये लोगों को गलतफहमी कम से कम दिमाग से निकाल देंगे। तो ये अपनी बहन का रथ चलाने लगा और उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्वो हंतायाम बहसे वोधा। कहा कि हे कंस, जिस बहन के लिए आंसू बहा रहा है ना, जिसके लिए रो रहा है, इसी के आठवें बालक के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। और जो ये कहा, केसों को पकड़ा, तलवार निकाली मारने के लिए। अब वसुदेव जी ने कहा, मृत्युर्जन्मा बताम वीर देहेन सहजायते अद्य बाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिना।